नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुड़ जाएंगे। फर्जी इनकाउंटर करता है, जब जब योगी डरता है, फर्जी इनकाउंटर करता है, पुलिस की दम पर ये सर, पुलिस की दम पर ताना शाही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भूपेंद्र यादव हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, भूपेंद्र यादव हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, ताना शाही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की दम पर ताना शाही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भूपेंद्र फांसी दो, फांसी दो, भूपेंद्र यादव हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, भूपेंद्र यादव हत्यारों को फांसी दो। देखिए आज हमारा विरोध प्रदर्शन है उत्तर प्रदेश की सरकार जो फर्जी एनकाउंटर कर रही है उसके खिलाफ है। अभी आपने देखा झांसी में जिस तरीके से भाजपा जिला अध्यक्ष का वीडियो ऑडियो वीडियो भी वायरल है कि उन्होंने किस तरीके से पुलिस से दबाव बनाकर पुष्पेंद्र यादव फर्जी एनकाउंटर कराया। हमारी मांग है 302 का मुकदमा पंजीकृत हो और जो सिटिंग बेंच है हाईकोर्ट की उसके द्वारा इसकी न्यायिक जाँच की जाए। दूसरा, अभी युवा कांग्रेस के हमारे नेता हैं शोएब खान जी कानपुर के, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद बस्ती में हत्याएं हुई हैं, लगातार हत्याएं पर दर हत्या हो रही हैं, सरकार सो रही है। सरकार को जहां भी लगता है कि कोई भी विपक्षी दल का नेता या सामाजिक कार्यकर्ता उसके भ्रष्टाचार के रास्ते में रोड़ा अटका रहा है उसका एनकाउंटर कराया जा रहा है, सरकारी गुंडागर्दी हो रही है। कांग्रेस पार्टी इस गुंडागर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने आज इस विरोध मार्च निकाला है, हम ज्ञापन देने आए, हम ज्ञापन देंगे। यदि सरकार नहीं चेती तो माननीय शीर्ष नेतृत्व से बात करके इस पर हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। आप देखिए कि क्या जरूरत थी पुलिस को कि रात के 12 बजे हिंदू रीति रिवाज के विपरीत रात के 12 बजे पुष्पेंद्र यादव के शव को जलाया गया, किस तथ्य को छिपाने के लिए जलाया गया। अगर दौड़ाकर एनकाउंटर हुआ तो मैंने तो अखबारों में पढ़ा है कि पहली गोली पैर पर मारी जाती है, सीधी गोली शार्प जो निशाना है वो उसके सर पे सामने से कैसे लगा। जब गाड़ी भाग रही थी तो पुलिस ने क्या सामने गाड़ी के खड़े होकर गोली मार दी। कई तथ्य हैं जो जांच के दायरे में हैं और एसओ और जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं झांसी पर मुकदमा दर्ज हो। कानपुर के अंतर्गत युवा कांग्रेस के नेता जिन पर दिनदहाड़े जिनकी हत्या हुई उनके लोगों पर मुकदमा दर्ज हो, जेल भेज जाए। और ये फर्जी एनकाउंटर की परंपरा बंद होनी चाहिए, सरकार की तानाशाही है। ऐसी सरकार जो जनता को सुरक्षा और न्याय न दे सके, उस न्याय सुरक्षा की मांग करने वालों का एनकाउंटर हो, ऐसी सरकार को राज्यपाल महोदय को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। इस सरकार को एक भी पल नैतिकता के आधार पर सत्ता में रहने का हक नहीं है। जब योगी डरता है, फर्जी इनकाउंटर करता है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जिंदाबाद, 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 प्रियंका गांधी अजय जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंद करो पुलिस की दम ताना शाही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की दम पर ताना शाही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भूपेंद्र फांसी दो, फांसी दो, भूपेंद्र यादव हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, भूपेंद्र यादव हत्यारों को फांसी दो।